नमस्कार, एनबीसी न्यूज 24 में आपका स्वागत है। दिल्ली के जामिया बाग के अंदर पिछले 15 दिनों से चल रहे नागरिकता कानून के विरोध को लेकर एक बार फिर फायरिंग का मामला सामने आया है। आपको पूरी खबर बता दें कि जामिया यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 7 के पास में स्कूटी सवार अज्ञात व्यक्ति फायरिंग करके मौके से फरार हो गया। हालांकि मौके पर पुलिस का कहना है कि जब इलाके की तलाशी ली गई तो उस इलाके के घटनास्थल के पास में दो प्रकार की जो है वार्तालाप सामने आई है। आपको बता दें कि इलाके के पास में कुछ लोगों ने यह कहा कि फायरिंग करने वाले स्कूटी से आए थे और कुछ लोगों का कहना है कि फायरिंग करने वाले कार से आए थे। इसके बीच प्रदर्शन कर रहे लोग सुरक्षा को लेकर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं। आपको याद होगा, इससे पहले भी दो बार शाहीन बाग और जामिया के अंदर एक शख्स ने फायरिंग की थी। हमारे दिल्ली के संवाददाता ने हमें बताया कि गेट नंबर 7 के पास में लाल कलर की स्कूटी से दो लोग आए, पिस्टल निकाली और फायरिंग करके स्कूटी से भाग गए। उनकी शिकायत पर जामिया नगर थाने में केस दर्ज कर लिया गया है। और आपको बता दें कि अटेम्प्ट टू मर्डर और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज करके पुलिस ने अपनी कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। सब्सक्राइब करें।